अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अच्छा वाला। एक मेरे पास जबरदस्त मार्केटिंग आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। ये दुबई वाले जो है ना, महारत रखते हैं इस चीज पे। वो क्या है कि अपने बिजनेस को लैंडमार्क बनाना। लैंडमार्क क्या होता है, आपको मिसाल देता हूँ। ये कायदे आजम का मिजार है ना, तो वो एक लैंडमार्क है। मीनार पाकिस्तान एक लैंडमार्क है। आईफल टावर जो है पेरिस में, वो लैंडमार्क है, वगैरह वगैरह। लंदन में बिग बैन कह लो। तो ये ऐसी चीजें जहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, तस्वीरें खींचते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आप कैसे अपने बिजनेस को लैंडमार्क बना सकते हो, मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। फर्जन आप जूते बनाते हो, जूतों की दुकान हो, तो आप किसी को कहो कि यार मुझे ना एक जूता बना दो, लेकिन वो जूता पता कितना बड़ा हो, ऑलमोस्ट जितनी गाड़ी होती है उतना बड़ा, छोटी गाड़ी नहीं होती, सुजुकी मैरान, इतना बड़ा जूता होना चाहिए। छत पे रख दो, साइड पे रख दो, बाहर रख दो, दुनिया जान आएगी, दुनिया जान आपको जानेगी कि यार वो देखो वो उनके पास जाने, इनके पास बड़ा सा जूता बना हुआ है। आप एक लैंडमार्क बन जाओगे। अच्छा, वो बड़ा जूता नहीं है, उससे आपने ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, एंड इट बिकम मैसिव। और लोग वहां पे तस्वीरें जब खींचेंगे, उसके ऊपर आपका लेबल होना चाहिए, या उसके बैकग्राउंड पे कम से कम आपका साइन जरूर होना चाहिए कि आप क्या बेचते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर फर्ज कीजिए आप वो बल्ब नहीं होते जो, या बिजली का सामान बेचते, लेकिन कुछ होते बिजनेसेस जो एनर्जी सेवर को ठीक करते हैं, आपको क्या कहता हूँ, बहुत बला किस्म का एनर्जी सेवर बनाओ। अगेन, कम से कम बंदे जितना हो, खड़ा हो, छत के ऊपर हो, जमीन पे हो, जहां पे भी होगा ना, दुनिया आगे पीछे, ये याद रखिएगा, इसके आगे पीछे संगल रखिएगा ताकि लोग उसको गिरा ना दें, उसको तोड़ ना दें हाथ लगा के। एंड अगेन दे विल कम वीडियो बनाने के लिए आएंगे, यानी वीडियो तस्वीर फ्लाम फ्लाम फ्लाम। अगर आप उसको वाकई चालू कर सकते हो, बीच में ट्यूब लाइट्स लगा के उसको चालू कर सकते हो, पता चले कि वाकई असली है, मुजस्मा नहीं बना हुआ बल्ब का, तो देन विल इवन वर्क बेटर। तीसरी मिसाल आपको क्या दे सकता हूँ, तीसरी मिसाल ये है कि आप फर्ज कीजिए मोटरसाइकिल का काम करते हैं, या आप मोटरसाइकिल का शोरूम चलाते हो, या आप अच्छा सा आपका बिजनेस है मैकेनिकी का, तो एक लोहे वाले के पास जाके उसको चादर का वो हेलमेट नहीं होता वो बनवा लो। एंड अगेन उसके ऊपर उसको पॉलिशिंग ठीक ठाक करना, उसके बेशक ब्रांडिंग आप कर दो, अगर आप होंडा हो तो होंडा कर दो, जो भी आओ लाइफ टाइम हो तो लाइफ टाइम कर दो, जो भी है आपका ब्रांड उस पर लगा दो। लोग दुनिया जान अगेन फिर देखने के लिए आएगी। अगर कोई कपड़े वगैरह बेचते हो, यानी बेबी शॉप के पास है, तो बहुत बड़ी डुम्मी बनवानी है, देश के वाले हो तो आप बड़ा सा देश का बनवा के बाहर रख सकते हो, साथ उसे कर्ची, यानी इतना बड़ा हो कि बंदे उसमें खड़े हो जाए, और बेशक आप बनाओ ऐसे कि लोग उसके अंदर खड़े होके उसके अंदर तस्वीरें खींचे। अगर आप फर्नीचर वाले हो तो इतनी बला कुर्सी होनी चाहिए कि जितनी गाड़ी नहीं होती, लेकिन आप बांस की बनवा सकते हो, लकड़ की बनवा सकते हो, साथ उसकी सीढ़ी रखो ताकि लोग ऊपर जाके उसके ऊपर बैठ के अपनी तस्वीरें खींचे। ट्रस्ट मी, चर्चा चर्चा होगा आपके बारे में। वो फलान वाले यार जानते हो आप जिनके पास बड़ी सी कुर्सी है, जायंट कुर्सी कह लो, आदम वाली कुर्सी कह लो, जो मर्जी आपने कहना है। और लास्टली मिसाल आपको क्या देता हूँ कि अगर आप गुब्बारे होते हैं, हीलियम, जो हीलियम आपको पता है जो गुब्बारों में जिनको उड़ाती है, उस किस्म के गुब्बारे ले सकते हैं, लेकिन बड़ा सा गुब्बारा होना चाहिए, और जो ब्लिम्प जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए, और वो आप लगा सकते हो। और खास तौर पे वो जिन बाजारों में भीड़ होती है ना, वहां पे अगर फर्ज कीजिए 10 मीटर भी आपकी दुकान के ऊपर होएगा, बाजार की सतह से ऊपर होएगा, एंड व्हाट्स एग्जैक्टली व्हाट गोना हैपन इज कि बंदा बाजार में बीच बाजार और सात बंदे के पास जाना है, फना गुब्बारे के करीब है, यहाँ पे हो जाना, ये हो जाना, एंड यू विल क्रिएट अ लैंडमार्क। और इसका खर्चा बहुत कम आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ खर्चा आता है, वो लोहे का खर्चा आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, और ये चीज बाद में बिक भी जाती है, जिनके शदाई बड़े होते हैं, बट आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका इतना चर्चा होगा, इतने लोग आपके पास आएंगे कि सिर्फ उस चीज को देखने के लिए। ऑब्वियसली क्या होता है, जब भीड़ आती है वो आपका सामान आप देख, फिर आप पे है कि आप उनको अपना सामान खरीदने पे आमादा किस तरह करते हो, ठीक है। यही है, मैं आज़ाद चाय वाला, होप आपको ये आइडिया पसंद आया ना, आप जरूर इस्तेमाल करेंगे या अपने लिए, यानी अगर आप कोई और चीज करते हो तो, यानी जो भी है, नो आइसक्रीम करते हो तो बहुत बढ़िया आइसक्रीम बना लो, ये जो भी है आपके पास, लेकिन आइडिया वही है, आपका बिजनेस हो साथ उसके कोई रिलेटेड आइटम होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा होना चाहिए या अजूबा सा हो, ताकि आप खुद लैंडमार्क बन जाओ, लोग आए आपके साथ अपना पूरी मशहूरी हो जाए। प्लस ऑब्वियसली मैंने पीछे पहले भी बोला था, लोकल मीडिया को बुला सकते हैं, लोकल मीडिया जरूर आएगा जी, ये देखिए क्या, और साथ उसकी लगा दीजिएगा जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जूता, पंजाब का सबसे बड़ा जूता, सियालकोट का सबसे बड़ा बल्ला, यू नो सियालकोट का सबसे बड़ा टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, जो भी है, जो चीज भी है ना, बस आप अपना शहर साथ लगा दीजिएगा, या अपना सूबा लगा दीजिएगा, या पाकिस्तान लगा दो, बेशक दुनिया का भी लगा दो यार, किसने अगर टेस्ट नहीं करना, किसने चेक नहीं करना, ओके जब आ जाएंगे तो देखा जाएगा इंशाल्लाह, ओके।
यही था. ओके अगेन मैंने इश्तिहार अपना देना है चायवाला.com का. अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हो, अगर आप बिजनेस वालों के साथ बातचीत करना चाहते हो तो चायवाला.com पे जाओ और वहाँ पे बिजनेस वालों से बात करो, रजिस्टर करो, फोरम है, एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे के साथ अपना जो नॉलेज है वो शेयर करो. आप किसी की मदद कर दो, कोई आपकी मदद कर देगा, एक दूसरे से मशवरा लो जी मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो खरीदना चाहता हूँ, ये कहाँ से मिलेगी, मैं बंदा रखना चाहता हूँ, मुझे कोई मुलाजिम चाहिए, मुझे फला फला स्किल चाहिए. एंड चायवाला.com ऐसी चीज है जहाँ पे मैंने हजारों बंदे इकट्ठे किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिजनेसमैन पाकिस्तानी एंड जो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एंड दैट्स इट, जाओ कामयाब हो जाओ, दैट्स ऑल आई वांट टू से. अपना ख्याल रखना एंड अस्सलाम वालेकुम. अच्छा ये वीडियो तकरीबन खत्म हो चुका था तो मेरे जो भाई है कैमरे के पीछे वो कह रहे, वो मुझे काफी मिसालें दे रहे हैं तो शेयर करते जाते हैं. इन्होंने कहा कि अगर आप हलवाई हैं जलेबी बनाते हैं तो बला जलेबी बना सकते हो, प्लास्टिक की बनवा दो, किसी शीशे वाले से बनवा दो. आप कुल्फी अगर बेचते हो तो अगेन बला कुल्फी बना सकते हो, ऐनक वाले हो तो ऐनक बना सकते हो. और मिसालें क्या दे रहे थे, साइकिल कहते थे साइकिल अगर है तो आप, यानी बहुत बड़ा, उसको चलना थोड़ी है, उसको सिर्फ डिस्प्ले के तौर पे रखना है. आप उसको बेशक गाड़ियों के टायर लगा लो या बेशक वो टायर भी जो है ना वो लोहे का ही हो, आपने बस उसको पेंट किया हो, ब्लैक काला किया हो एक्सेट्रा. और मिसालें भाई जान, मोबाइल है, मोबाइल है तो बला मोबाइल बना लो, पलंगे बेचते हो तो बला पलंग बना लो. अगर आप की फर्ज करो कोई दुकान है किताबों की तो बला किताब बनवा के रख सकते हो छत पे, कोई कलम रख सकते हो. अगर आप हार्डवेयर की शॉप है तो हार्डवेयर की शॉप है तो स्क्रू ड्राइवर बना के गाड़ी, ड्राइवर हथौड़ी कोई सी चीज ऊपर रख सकते हो एज ए सिंबल और आपका लोगो उसके ऊपर जरूर होना चाहिए. ऑब्वियसली आपका लोगो उस पर जरूर होना चाहिए. कंप्यूटर की दुकान है तो आप कंप्यूटर बना के रख सकते हो, लैपटॉप सा बना के रख सकते हो, कोई सी भी चीज. यार खुद भी अपना जहन इस्तेमाल करो, यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ. कहते हैं ये सूरज धोखा देते हैं, यहाँ पे बाहर होती सर्दी है लेकिन यहाँ पे सूरज फिर भी चमकता है ऐसे कि जी बस लगता बहुत नाइस है बट होती बाहर सर्दी है यार. एनीवे मैं हूँ चाय वाला, रब रखा.